नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल स्पिरिट में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मूल्यवान होने वाली है। इसमें हम आत्मा के गर्भ से जन्म तक के सफर को जानेंगे कि जब आत्मा माँ के गर्भ में होती है तो वो कैसे विकसित होती है और भगवान से क्या क्या बात करती है। गर्भ उपनिषद में ये अमूल्य जानकारी हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले दी है। जब पेट में भ्रूण का दिमाग बनता है, उस समय उसका दिमाग बच्चों और वयस्कों की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। इसका कारण यह है कि गर्भ में रहते हुए भ्रूण इंद्रियों से विचलित नहीं होता है। उस समय आत्मा मां के पेट के भीतर कैद शारीरिक और भावनात्मक उथल पुथल से गुजरती है। मां के पेट में उसे इस बात का एहसास होता है कि वह एक बार फिर से दर्द और कष्टों से गुजरने के लिए जन्म लेने जा रहा है। जब नर और मादा आपस में संभोग करते हैं, उसके बाद नर और मादा से प्रजनन के लिए तरल पदार्थ निकलते हैं। इन तरल पदार्थों के आपस में मिलने के एक रात बीतने के बाद भ्रूण एक मिश्रित अर्ध तरल अवस्था में होता है। उसके सात रातों के बाद यह अर्ध तरल पदार्थ पानी से बने बुलबुले की तरह आकार ले लेता है। फिर समय बीतते बीतते एक पखवाड़े के अंत में यह एक ठोस गांठ का आकार ले लेता है। लगभग एक माह के अंत तक यह जमकर सख्त हो जाता है और फिर दूसरे माह आते आते ये सिर आकार ले लेता है। तीन महीने के अंत में पैर बन जाते हैं और चौथे महीने तक कलाई, पेट और कूल्हे, कमर आदि का निर्माण हो जाता है। पांचवें महीने के दौरान रीढ़ और आसपास की हड्डियां आकार लेती हैं। छठे महीने में मुंह, नाक, आंख और कान सभी बनते हैं। तब जाकर सातवें महीने में जीवात्मा माँ के गर्भ में अब तक बने शरीर में प्रवेश करता है। आठवें महीने तक यह पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है और शेष सभी भागों से पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है यदि पिता का बीज अधिक शक्तिशाली है तो वह नर बन जाता है, यदि माँ का बीज मजबूत है तो वह मादा बन जाता है, यदि बीज बराबर हो तो वह अंतरलिंगी हो जाता है। अंतरलिंगी का मतलब नपुंसक होता है, जो ना नर होता है और ना ही नारी। यदि गर्भाधान के समय माता पिता उत्तेजित हों तो बच्चा अंधा, अपंग, कुबड़ा या बौना होगा। यदि प्राणवायु चारों ओर घूमती है तो बीज दो भागों में प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। जब पांच प्राकृतिक शक्तियों से युक्त शरीर जीवात्मा के संचार से बुद्धि प्राप्त करता है तो यह पांच बौद्धिक अंगों और मस्तिष्क को भी प्राप्त कर लेता है, जो जीवात्मा को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और स्वादों के बीच अंतर करने में सक्षम बनाता है। इस बुद्धि को प्राप्त करने के बाद जीवात्मा तुरंत शाश्वत शब्द ओम पर विचार करना शुरू कर देता है। एक बार जब वह इसके सार को पचा लेता है तो वह इस तथ्य को समझ जाता है कि आठ मूल शक्तियां, पांच इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार और उनके सोलह प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा या जीवात्मा से संबंधित हैं। मां जो कुछ भी खाती है वह बच्चे की तंत्रिकाओं से होकर जीवात्मा तक पहुंचता है, जो ऐसे आहार से संतुष्ट होता है। दोस्तों, माता द्वारा खाए गए अन्न आदि से बरहता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र आदि के स्थान जहां अनेक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्थान पर सोता है। वहां कृमि जीव के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं, जिसके कारण वह बार बार बेहोश भी होता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं, वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है, उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुख से रहता है। यहां शिशु सात धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़ ईश्वर की स्तुति करने लगता है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। मैं दुखी विष्ठा व मूत्र के कुएं में हूं और भूख से व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूं। नौवें महीने के दौरान सभी इंद्रियां और बुद्धि इंद्रियां पूर्णता प्राप्त करती हैं और इस समय के दौरान जीवात्मा को अपने पिछले जन्म की याद आती है और उसे अपने पिछले जन्म के दौरान किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का एहसास होता है। और फिर गर्भ में जीवात्मा सोचता है, मेरे द्वारा हजारों जन्म बिंदु देखे गए हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा गया है
और अनगिनत बार माँ के दूध का सेवन किया गया है, यह बताने के लिए कि जीवात्मा के पिछले जन्मों के दौरान विभिन्न माताएं थीं। मैं कई बार जन्मा और कई बार मरा। पूर्व जन्मों के मेरे सभी निकट और प्रियजन, जिनके लिए मैंने पूर्व जन्मों में विभिन्न कार्य किए, चाहे अच्छे हों या बुरे, उन्होंने मेरे कार्यों का लाभ उठाया है और मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मैं पीछे बिल्कुल अकेला रह गया हूं। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत योनि से बाहर आऊंगा, तो मैं अपने आप को सभी पापों के विनाशक और मोक्ष प्रदाता महेश्वर नारायण को समर्पित कर दूंगा। मैं अपने पिछले जन्मों के सभी पापों को नष्ट करने के लिए उनके नाम और अन्य मंत्रों का जाप करने जा रहा हूं। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत से बाहर आऊंगा, तो मैं अपने सभी पापों को नष्ट करने और इस भौतिकवादी दुनिया में सभी कार्यों के बंधन से खुद को मुक्त करने के लिए ज्ञान योग, ज्ञान की खोज का सख्ती से अभ्यास करने जा रहा हूं। एक बार जब मैं इस जन्म स्रोत से बाहर आऊंगा, तो मैं इस सर्वोच्च दिव्य ब्रह्म पर चिंतन करने जा रहा हूं। जब वह जन्म नहर तक पहुंचता है और बड़ी कठिनाई से इससे बाहर आता है, तो उसे एक सर्वव्यापी माया द्वारा छुआ जाता है, जिससे वह पिछले जन्मों और उसमें किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को भूल जाता है और फिर इस संसार की मोह माया में फिर से उलझ जाता है। दोस्तों, हमें ये जीवन अपने पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए मिला है और हम इस माया के द्वारा कई जन्मों से छल्ले जा रहे हैं। उम्मीद है वीडियो को देखकर आप सब समझ गए होंगे कि हमारा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।